पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक। भजन कैसा है? एक शंकर भगवान का बड़ा तगड़ा भगत था। वो हर साल कावड़ लेने के लिए हरिद्वार जाया करता, लेकिन अब की बार जान नहीं पाया। अपने खेत में काम करने लग रहा, उधर से कौन भोलेनाथ और माता पार्वती आसमान से सैर करते हुए आ रहे। माता पार्वती ने देखा, बोली, बोले ये तो तेरा बहुत बड़ा तगड़ा भगत है, हरिवार द्वार नहीं गया। बोला गोरा कोई काम धंधा हो गया होगा। बोली नहीं, इसकी बड़ी इच्छा होती है, आप इसको जरूर पूछो। भोलेनाथ जी खेत में आ गए, बोला भगत इनकी बार हरिद्वार नहीं गया। बोला भोलेनाथ जी के करूँ, खेती बाड़ी का काम है, अरे देखे जीरी ला करूँ, जीरी नहीं लागी तो कैसे जाऊंगा। गोरा मकान लगी ना, जरूर भेज। भोलेनाथ रुकने लगे, भाई तू जा हरिद्वार, तेरे काम ना मैं देखूंगा। अब तैयार कर लिया, थोड़ी सी दूर गया था, उल्टा ही आ गया। बोला अरे की बात हुई भाई, वापिस क्यों आ गया? बोला भोलेनाथ जी मैं मान गया, बहुत बड़े देवता हो, पर यो काम घना खतरनाक है, आप परेशान हो जाओगे। बोला ना भाई। बोला फिर चलो मैं बता देता हूँ, हमारे खेत तंगी बनेगी। वो बताने लगा, कैसे बता रहा ओ कदे मार के सुटा सो जा। बोले बोले भोलेनाथ जी ये जो टेबल चल रहे है यो न्यू में बने चलता रहता, इसमें कई खराब भी बने हैं। और देखिए आप कदे सुट्टा मार गड़ा छान में पड़कर सो जाओ। कदे मार के सुट्टा सो जा बोले, यो तेल खत्म ना हो जा बोले, और बैठ छान में टूबल कान्या कान राखिए तू। और मैं जासू कावड़ लेन खेत में ध्यान राखिए तू। कौन कौन गया है हरिद्वार में? हरिद्वार कौन कौन गया है यहाँ पे? आप लोग नहीं गई पीछे वाले, एक बार सीधे हाथ उठाएंगे और ताड़ियां बजाकर जी भजन गाएं। बिल्कुल सीधे, जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हैं और मेरे साथ ताड़ियां ताल में बजाएंगे। ऐसे नहीं, देखो ऐसे नहीं, ताल में देखो, ऐसे ताल होती है कोई बजाने। हाँ जी, कदे मार कसूटा सो जा भोले, तेल खत्म ना हो जा भोले, मार कसूटा सो जा भोले, तेल खत्म हो जा भोले, बैठ छान में तू बल कन्या कान राखिए तू। मैं जासू, मैं जासू, सीधे हाथ करके, बिल्कुल दोनों हाथ सीधे। मैं जासू, मैं जासू, मैं जासू कावड़ लेने से तुम्हें ध्यान राखियो तो, मैं जासू कावड़ लेने से तुम्हें ध्यान राखियो तो। कदे मार के सुट्टा सो जा भोले, तेल खत्म ना हो जा भोले, मार के सुट्टा सो जा भोले, तेल खत्म हो जा भोले, बैठ जान में तू बल कन्या कान राखिए तू। मैं जासू कावड़ लेने से तुम्हें ध्यान राखियो तो, मैं जासू कावड़ लेने से तुम्हें ध्यान राखियो तो। आवाज लगाओ, हे हो बढ़िया उठा करके, सीधे हाथ उठा करके, बिल्कुल सीधे। ये कहने लगा कि भोलेनाथ जी ये जो इंजन चल रहा है ये ऐसे ही नहीं चलता रहेगा, इसमें गड़बड़ बढ़ेगी। क्या यो बीच में पटा बगावेगा, फिर पानी भी ना ठावेगा, पानी भी ना ठावेगा, पानी भी ना ठावेगा। और ध्यान ते तू ध्यान ते हैंडल मारिए भोले, ना हाथ पैर तुड़वावेगा, और ज्यादा अस्ताट लगाए जान राखिए तू। सीधे हाथ करके बिल्कुल, मैं जासू, मैं जासू, मैं जासू का जासू का ध्यान राखिए।
आते जाता ने टोक दिए, आते जाता ने टोक दिए, आते जाता ने टोक दिए, जितना जा दूसरा भी जगड़ी पहचान राखिए। सिरे हाथ करके मैं जासू अपनी रावड़ लेके आया, इतने भोलेनाथ का भी पूरा एक्सपीरियंस हो गया खेती करने का। आने के बाद फिर भोलेनाथ जी कहने लगे, ओ राम किस जीवनपुर आले मुश्किल से जमींदार आ रे, मुश्किल से जमींदार आ रे, मुश्किल से जमींदार आ रे, और पवन खरेटी आले तूते सच्ची बात बता रे, अरे सच्ची बात बता रे, तो सच्ची बात बता रे, मेरा गुणगान राखिए। सीधे हाथ उठा करके मैं जासू तावड़ लेने खेत में जान राखिए तू।